गुड आफ्टरनून बच्चों। तो पिछली तासिका से हमने जो पाठ पढ़ना शुरू किया है उसका नाम है थप रोटी थप दाल, यानी कि रोटी बनाते समय जो आवाज आता है उसका आवाज कैसा होता है, थप 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 ऐसा आवाज होता है। इसके आधार पर इस पाठ को जो नाम दिया है थप रोटी थप दाल, ये एक बच्चों का खेल है, यानी कि अलग अलग खेल खेल के आप बच्चे लोग थक जाते हो तो नई नई खेलने की तरकीबें निकालते हो। वैसे ही संसार एक खेल होता है, यानी कि अपने घर में जो बड़े लोग करते हैं वही करने की या उनका देख के अनुकरण करने की, जो आप लोग जो बच्चे लोग जो भी सीखते हो, टीचर कैसे पढ़ाते हैं, टीचर कैसे रहते हैं, या घर में बड़े लोग क्या क्या बर्ताव करते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसे बातें करते हैं, वो सब देख देख के अब बच्चे लोग सीखते हैं। उसी तरह ये जो खेल खेल रहे हैं अब, अभी खेल बहुत सारे खेल खेलते हो, गिल्ली डंडा खेलते हो, कबड्डी खेलते हो, खो खो खेलते हो, क्रिकेट खेलते हो, इसके साथ और भी छोटे मोटे खेल रहते हैं, धापा धुपी यानी कि गेंद एक दूसरे को मार के खेलते हो, जमीन पानी खेलते हो, चोर पुलिस खेलते हो, ऐसे बहुत सारे खेल हैं, ऐसे खेल खेलते हो। तो वैसा ही एक खेल है थप रोटी थप दाल। बच्चे खेल खेल के परेशान हुए थे और एक लड़की भाग के आई घर से और कुछ रोटी बनाने का सामान, यानी कि आटा लाया होगा, पानी लाया होगा, जो भी रोटी बनाने के लिए बर्तन चाहिए, स्टोव चाहिए, चूल्हा चाहिए, वो सब सामान लेके आई और अपने एक सहेली को पुकारती है, वो तू जल्दी आ, अब हम ये जो खेल चल रहा है वो थोड़ा साइड में रखते हैं या उसको थोड़ा बंद कर देते हैं और एक नया खेल यानी कि रोटी बनाने का खेल हमें खेलना है। ये पाठ हम देखने वाले हैं, लेकिन इस पाठ का हमने क्या देखा है, कठिन शब्द देखे हैं, इससे पहले ताशिका को जो कठिन शब्द थे वो देखे हैं, लेकिन आज हमें इसका व्याकरण देखना है, यानी कि ग्रामर। ग्रामर में देखो, ग्रामर देखते समय मैंने कहाँ से शुरू किया था, ये जो वर्णमाला है कोई भी भाषा जतन करने के लिए, यानी कि उसको संभाल कर रखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसको चिन्ह में डिनोट करना पड़ता है। और जो भाषा अपनी सोच है दूसरों के तरफ, दूसरे तरफ किसी के तरफ मैं अपनी सोच पहुंचाना है तो हम भाषा का प्रयोग करते हैं, और ये भाषा हम चिन्ह में डिनोट करके रखा है इसलिए ये भाषा जतन है। तो चिन्ह क्या है, तो वो जो चिन्ह है हमारे मुंह से जो मूल ध्वनि निकलते हैं उसे हमने वर्ण कहा है, या वही चिन्ह में डिनोट करके रखा है उन्हें चिन्ह कहा, वर्ण कहा। तो वर्ण के दो भेद मैंने आपको समझाए हैं, कौन से हैं, ह्रस्व और दीर्घ, या स्वर या व्यंजन। स्वर के दो भेद है ह्रस्व और दीर्घ, और वर्ण के दो भेद क्या है, आपको बताना है, वर्ण के दो भेद है, हाँ बताओ, वर्ण के दो भेद क्या है, स्वर और व्यंजन है, हाँ स्वर और व्यंजन वर्ण के दो भेद है, ये हमने इधर तक पढ़ा है, लेकिन अभी हमें थोड़ा आगे जाना है। अभी और भी क्या क्या ग्रामर में हमने देखा है, देखो शब्द कैसे बनते हैं, अक्षर अक्षर से शब्द बनते हैं, तो शब्द शब्द से वाक्य बनते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं वो भी हमने देखा है, संज्ञा किसे कहते हैं, व्यक्ति वास्तु किसी जगह का नाम, प्राणी पशु पक्षी पेड़, इन्हें जो दिए हुए नाम है उन्हें संज्ञा कहते हैं, वो जीवित हो या मृत हो उन्हें दिया हुआ नाम ही, नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं। तो इसके आगे जाके हमें संज्ञा हमने पढ़ा है और क्या क्या पढ़ा है, मात्राएं, जो हमारे स्वर है
व्यंजन और स्वर, उसमें से स्वर के दो भेद कौन कौन से होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। उसमें जो आते हैं मात्रा के स्वरूप में, हम वैसे ही स्वर लिखते हैं क्या, कोई अभी हमको का लिखने का है, का लिखता लिखने का है, का कैसे लिखा जाता है, तो इसमें क, इसका मूल ध्वनि क है, तो इसको लंगड़ी मार के लिखा जाता है, क्यों, ये व्यंजन है और ये है अधूरा है, इसको क क का बनाना है, तो कैसे बनता है, क भी कैसा बनता है, देखो क जोड़ अ ऐसा ही बनता है ना, इसमें स्वर आता है, अ स्वर आता है, अ को कोई मात्रा नहीं, लेकिन आ को मात्रा है, दूसरा जो अपना स्वर है वो है आ, अभी का बनाते समय वो आता है, देखो क जोड़ आ आएगा, आए स्वर आके बनता है क्या, का बनता है, आया समझ में, ऐसा का बना, अभी काम काम लिखना है, मैंने आपको हाथी कैसा लिखना है समझाया था, अभी काम लिखना है, काम क्या कर रहे हो, काम कर रहे हो, तो ये कैसा बनता है, क जोड़ आ जोड़ म जोड़ अ का म, तो इसमें ये व्यंजन है, ये अधूरे है, और स्वर के किसे कहते हैं, जो जिनका उच्चारण पूरा होता है, वो खुद स्वयं है, उनका उच्चारण पूरा होता है, और उनका उच्चार करते समय, वो बोलते समय अपनी जीभ मुंह में किधर भी नहीं लगती है, उन्हें स्वर कहते हैं, और जिनका उच्चारण करते समय, जिन वर्णों का विचार करते समय अपनी जीभ जो है मुंह में किधर ना किधर लग ही जाती है, उसे व्यंजन कहते हैं। अभी स्वर और ये व्यंजन हुआ, और या स्वर और व्यंजन मिलके क्या बनता है, शब्द बनता है, और शब्द शब्द मिलके क्या बनता है, एक वाक्य बनता है, एक वाक्य वाक्य मिलके परिच्छेद बनता है, लेकिन इससे कोई सार्थ होना चाहिए, सार्थ यानी कि वो अर्थ के साथ होना चाहिए, ये भी मैंने आपको बताया था। अगर आपने कुछ शब्द बनाया और उसे कुछ मीनिंग ही नहीं है, उसे अर्थ कुछ निकलता नहीं है, तो उसे शब्द नहीं कहा जाता, वैसे ही शब्द के समूह मिलके एक वाक्य बनता है, लेकिन उस वाक्य को कुछ अगर अर्थ नहीं होता है तो उसे वाक्य नहीं कहा जाएगा, ये भी आपको सिखाया है। लेकिन आज हमें देखना है, आज हमें थोड़ा आगे जाके संज्ञा भी किसे कहते हैं, देखे जिसे किसी को भी नाम दिया है उस नाम को हम संज्ञा कहते हैं, व्यक्ति वास्तु कोई ठिकान है उसे दिया हुआ नाम ही हम संज्ञा कहते हैं। लिंग देखना है हमें, अभी लिंग कितने हैं, हिंदी में लिंग तो दो प्रकार के होते हैं, एक स्त्रीलिंग और लिंग के दो भेद हैं, लिंग लिंग की कितने भेद है, दो भेद है, देखो वैसे लिंग के तीन भेद आते हैं, लेकिन तीसरा हिंदी में दिया नहीं है, तो हम वो बाद में देखेंगे। हाँ, स्त्रीलिंग और पुलिंग, ये लिंग के दो भेद हैं, कौन कौन से, स्त्रीलिंग और पुलिंग, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, ये लिंग के दो भेद दिए। अभी तो देखो स्त्रीलिंग किसे कहेंगे तुम, स्त्रीलिंग में क्या क्या आता है, ये एक बार हमने पढ़ा है, लेकिन फिर से इसका रिवीजन हम कर रहे हैं, मैंने आपको पढ़ाया था, देखो अभी आपको जल्दी पता चलेगा हमने इधर यहाँ पे पिक्चर, क्योंकि पिक्चर जो है वो ज्यादा बात करते हैं, आपको अभी पता चलेगा, तुरंत पता चलेगा, देखो मैं एक यहाँ पे पिक्चर दिखा रहा हूँ, हाँ
देखो पिक्चर बोलते कैसे है, मैंने आपको बताया कि पिक्चर्स अगर वो तो पिक्चर से ज्यादा आपको समझता है, पिक्चर ज्यादा बातें करते हैं। ये है एक लड़की का पिक्चर, आ रहा है समझ में? कौन है ये लड़की है, यानी कि स्त्रीलिंग, जिस लिंग दो होते हैं स्त्री और पुरुष, जो चाहे हो वो पशु हो प्राणी हो कीटक हो जो भी हो, उसमें दो लिंग होते हैं स्त्री, वस्तु वास्तु में भी वो लग जाता है, जिसे हम बुलाते समय स्त्रीलिंग का रूप लगा के बुलाते हैं उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, पुरुष का संबोध्य जिसमें होता है उसे पुलिंग कहते हैं। तो देखो यहाँ पे मैं एक लड़की का पिक्चर दिखाता हूँ, तभी आपको समझ में आएगा। ये है, ये स्त्रीलिंग है, ये पुल्लिंग है, आपको समझ में आ रहा है? तो लिंग के कितने भेद होते हैं? दो, हिंदी में दो बताया गया है, लेकिन एक नपुंसकलिंग करके आता है, गवर्नमेंट ने उसे अभी अभी जो आप कुछ गवर्नमेंट के लिए फॉर्म भरना हो तो उसे ऑर्डर करके आता है, अभी 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 वो निकाला है, तो आपको वो अभी बाद में सीखेंगे हम। लेकिन देखो स्त्रीलिंग में क्या क्या आता है, लिंग लिंग पहचानो अलग होता है, ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ आपको, एक बार हुआ है लेकिन फिर भी क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्यों आपको मैंने टेक्स्ट टेस्ट लिया था ना आपका, तभी दिया था लिंग पहचानो, लिंग पहचान ना हो तो वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है ये बताना है आपको, यानी कि समझो एक मुर्गी, मुर्गी वर्ड दिया है तो वो स्त्रीलिंग है क्या पुल्लिंग है ये पहचानना है, उसे लिंग पहचानना बोलते हैं, यानी कि वो मुर्गी स्त्रीलिंग है। ये पेन, पेन क्या है? पुल्लिंग है। रास्ते से जाने वाली गाड़ी, गाड़ी स्त्रीलिंग है। घोड़ा पुल्लिंग है। ये स्त्रीलिंग या पुल्लिंग पहचानना उसे बोलते हैं लिंग पहचानना, और लिंग बदल करना, लिंग में बदलाव लाना है। अगर स्त्रीलिंग कोई चीज है तो उसका पुल्लिंग क्या आएगा वो लिखना, और पुल्लिंग दिया है, पुल्लिंग दिया है तो उसका स्त्रीलिंग बना के लिखना है, उसे लिंग बदलना कहते हैं, वो अभी हम देखते हैं। अभी स्त्रीलिंग में क्या क्या आएगा, देखो मुर्गी, मुर्गी ये चाहे तो आप लिख के ले लो, मेरे साथ लिखा तो भी चलता है, मुर्गी, छत्रा, छत्री आता है, छत्री क्या है स्त्रीलिंग भी आता है, मैं छाता यूज करता ना, उसे छाता बोलते हैं, छाता, क्यों छात्रा यानी कि स्टूडेंट, मोरनी उसे लांडोर भी बोलते हैं हिंदी में, मोरनी बोलते हैं, मोरनी, घोड़ी, ये वर्ड यानी कि ये स्त्रीलिंग है। देखो हम बोलते समय ही पता चलता है, मुर्गी, मुर्गी, ओ मुर्गी, मुर्गी यानी कि ये स्त्रीलिंग पता चलता है, छात्रा यानी कि छात्र, छात्रा, मोरनी, मोर, मोरनी, घोड़ा, घोड़ी, यहाँ पे नुक्ता आता है, मामी, मामा, मामी, काका, काकी, ये स्त्रीलिंग, काका, अगर लिंग बदलना है तो मामी दिया है तो यहाँ पे क्या आएगा, मामा आएगा, बराबर ठीक बोल रहे हो, आपको मालूम है ये क्या क्या आता है। तो देखो पुल्लिंग में क्या क्या है, ये
छोड़ो अभी, इसका मैं स्त्रीलिंग यहाँ पे लिखा है तो इसका ही पुल्लिंग नहीं होगा इधर, मैं वो अलग बताता हूँ। दास, दास क्या होता है? पुल्लिंग होता है। भाई, भाई का स्त्रीलिंग क्या आएगा? बहन, बहन। बेटा, बेटा का स्त्रीलिंग, बेटा एक पुल्लिंग है तो इसका स्त्रीलिंग क्या आएगा? बेटी। बराबर ना, बेटा का पुल्लिंग क्या आएगा? बेटी। नाग, नाग का स्त्रीलिंग क्या आएगा? नाग का स्त्रीलिंग नागी। शेर, शेर का स्त्रीलिंग क्या आएगा? शेरनी। शेर का स्त्रीलिंग आएगा शेरनी। आपको समझ में आ रहा है लिंग पहचानना और लिंग बदलना? आया ना समझ में? इसमें आपका थोड़ा इधर उधर हो जाता है। आपको अगर मैंने लिंग पहचानो बोला तो आप लिंग बदल रखते हैं। लिंग पहचानना यानी कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है वो लिखना है। अभी अगर मुर्गी का लिंग पहचानो, मैं अगर ऐसा सवाल आया, ऐसा प्रश्न आया कि मुर्गी लिंग पहचानो तो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, या आपको पहचान के लिखना है वहां पे। अभी लिंग पहचानने के लिए अगर मुर्गी दिया तो आप लिखेंगे स्त्रीलिंग है, दास दिया तो लिखेंगे पुल्लिंग है, अभी बॉल दिया, बॉल ये जो ऐसा अपना आपका फुटबॉल है, बॉल स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग में आएगा या पुल्लिंग में आएगा? सही, बॉल पुल्लिंग है। तो ये लिखना है लिंग पहचानो, पहचानना है यानी कि आपको पहचानना है, उसका लिंग क्या है पहचानना है। अभी पेड़ दिया, पेड़, पेड़ क्या होता है? पुल्लिंग होता है। पेड़ पुल्लिंग होता है और पेड़ का पत्ता भी पुल्लिंग होता है। क्या पत्ता क्या होता है? पुल्लिंग होता है। हवा क्या है? पुल्लिंग है। पानी क्या है? पुल्लिंग है। वो आपको पहचानने में आता है। तो वैसे ये लिंग में इतना ही याद रखो, लिंग पहचानना और लिंग बदल देना। अभी बदलना है लिंग, ये हमने ये स्त्रीलिंग लिखा है सर, स्त्रीलिंग। अभी इसका बदलना है, मुर्गी मुर्गा क्या आएगा? मुर्गा। छात्रा छात्र मोरनी मोर। लिंग बदल रहे हैं हम, अभी क्या कर रहे हैं? लिंग बदल रहे हैं इनके। घोड़ी घोड़ा क्या है? घोड़ा। मामी मामा। तो काकी काका, ये स्त्रीलिंग है, ये उनके पुल्लिंग आएंगे यानी कि बदल दिए हमने, लिंग बदल दिए। और लिंग पहचानना और लिंग बदलना, इसमें जो आप कंफ्यूज हो जाते हो इसलिए मैंने ये सब आपको लिख के दिया है। स्त्रीलिंग यानी कि जिस शब्द का उच्चारण स्त्री जैसा होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, और पुरुषवाचक यानी कि उसका संबोधन कैसा होता है, पुरुष जैसा होता है, उसे पुल्लिंग कहते हैं। इतना ही आप याद रखो। अगली तासिका को हम इसके वचन, वचन कैसे बदलना है, वचन बदलना है। एक एक आपको एक ऑब्जेक्ट दिया होता है उसके दो बना के लिखना है। अभी एक कबूतर, दो और भी अनेक बहुत सारे दिखाना है तो उसका भी आता है कबूतर, कबूतर 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 एक हुआ या, और चूहा चूहे हम बोलते हैं, चूहा एक है, चूहे और होते हैं, मोर ज्यादा अगर है और संख्या में है तो उसे मोर ये कहते हैं। एक
दिखाया तो भी मोर और सारे दिखाया तो भी मोर, ऐसा उसे वो वचन है, वचन एक वचन अनेक वचन ऐसे, मतलब एक है कुछ और ज्यादा दिखाना है, है आया समझ में आया ना, तो वो भी देखना है। तो आज के दशिका के लिए ये लिंग का भेद, लिंग पहचानना अलग होता है और लिंग बदलना अलग होता है। लिंग पहचानना मतलब वो स्त्रीलिंग है या पुलिंग है ये बताना है, और लिंग बदलना है तो अगर आपको नाना दिया है तो उसका नानी में परिवर्तन करना, यानी कि नाना पुलिंग है, नानी स्त्रीलिंग है, माँ बाप या माँ पिताजी, भाई बहन, काका काकी, लड़का लड़की, ये लिंग बदल दिया। और लिंग पहचानने का कैसा है, लड़का दिया तो पुलिंग आता है, लड़की दिया तो स्त्रीलिंग आता है, इतना समझ लो। चलो आज हम यहाँ पे रुकते हैं। लिंग के भेद कितने हैं, दो है, स्त्रीलिंग और पुलिंग। और लिंग बदलना है तो डायरेक्ट स्त्रीलिंग में है तो दिया है तो पुलिंग करना, पुलिंग में दिया है तो स्त्रीलिंग बनाना उसका। अगर लिंग पहचानना है तो जो भी संज्ञा दी है उसका स्त्रीलिंग आता है या पुलिंग आता है वो लिखना है। वो आया समझ में, ठीक है। चलो आपका दिन शुभ गुजरे, धन्यवाद।